जय हिंद साथियों, मैं हूं जय सैफी और आपका इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये यूपी फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यूपी फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस क्या रहेगा, आपको किस बुक से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि यूपी फॉरेस्ट गार्ड का जो सिलेबस है उसमें आपको टॉपिक वाइज क्या क्या पढ़ना है, बुक में से क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में प्रैक्टिस सेट आपको बताऊंगा, उसके बाद में थोड़ा कट ऑफ के बारे में भी अंदाजा एक मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो इन्हीं 5 चीज़ों पर होने वाला है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सिलेबस से रिलेटेड पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, फिलहाल इस वीडियो में मैं और रिवाइज आपको कर देता हूँ। देखिए, आपके सिलेबस में 3 चीज़ें आएंगी, हिंदी, जीके और रीजनिंग, ठीक है। हिंदी के आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो 80 क्वेश्चन आएंगे, जीके के 60 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के भी 60 क्वेश्चन आएंगे। इसके जो टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे वो हो जाएंगे 200, और एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा तो आपके 200 ही नंबर, मतलब जो पूर्णांक हो जाएगा वो 200 ही नंबर का हो जाएगा। और आपके जो एग्जाम का टाइम रहेगा वो 2 घंटे 30 मिनट रहेगा, यानी 150 मिनट आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी 1/4 की, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मतलब ये कि आपने अगर 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक राइट भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो आप 4 क्वेश्चन गलत करने पे आप 5 क्वेश्चन गलत मान के चलें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बुक के बारे में कि आपको कौन सी बुक से आपको पढ़ना है, क्योंकि जो सिलेबस है उसके हिसाब से बुक का होना भी बहुत जरूरी है। बस शर्त ये है कि हमें पढ़ना बहुत अच्छे से, रिवाइज बहुत अच्छे से उन बुकों को करना है। तो आपको सिलेबस वाइज मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ मैं हिंदी से। देखिए, हिंदी की मैं 2 बुक आपको दिखाऊंगा, दोनों बुक बेस्ट है। सबसे पहली बुक है आपकी ल्यूसेंट हिंदी, देखिए ल्यूसेंट वाली, ठीक है, बुक है। उसके बाद आपके आपकी जो दूसरी बुक है हिंदी की, यह है आदित्य पब्लिकेशन की, ठीक है, पूरा सेट बन जाएगा। तो सबसे पहली बुक आपकी होगी ये ल्यूसेंट वाली बुक, इसे अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, बहुत फेमस बुक है। इसके जरिए आपकी जो मतलब नॉर्मल जीके है ये यहाँ से कंप्लीट होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यूपी की जीके के बारे में। देखिए, यूपी की जीके आप यहाँ से इससे बुक से कंप्लीट कर सकते हैं। मेरे पास ये ओल्ड बुक है, इसे चाहो तो आप नहीं ले लेंगे। ये जो बुक है ये परीक्षा वाणी की है, ठीक है, आपका यूपी जीके यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। आपको लेनी है कंप्यूटर की बुक, कंप्यूटर के लिए आप चाहो तो ये ल्यूसेंट की बुक आती है कंप्यूटर की, आप इसे ले सकते हो, ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। या फिर आप दूसरी बुक कंप्यूटर का लेना चाहते हैं तो आप ये वाली बुक भी ले सकते हैं, परीक्षा मंथन की, ये भी बुक बेस्ट है, ठीक है। दोनों में से कोई भी बुक पढ़ लीजिए, आपका कंप्यूटर यहाँ से तैयार हो जाएगा, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी इसके अंदर आएंगे, ठीक है। अब बचा हमारा करंट, करंट के लिए आपको क्या करना है, बुक आती है स्पीडी की, ठीक है, इस बुक को ले लीजिए, यहाँ से आपका जो है करंट ईयरली वाला सब पिछला जो करंट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जीके की जो भी मैंने बुकें दिखाई यहाँ से आपका जीके पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, रीजनिंग के लिए आप ये वाली बुक ले लेंगे तो यही बुक आपके लिए काफ़ी है, ये है आर के झा की बुक। ये बुक बेस्ट है यूपी TSSC एग्जाम के लिए बेस्ट बुक है, यहाँ से आपको मतलब सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। आपको बस रीजनिंग करने का तरीका सीखना है, क्वेश्चन को करने का तरीका सीखना है, फिर किसी भी तरीके के क्वेश्चन आ जाए आप उसे हल कर लेंगे, और ये बुक आपके लिए बेस्ट है। इस बुक को आप ले लेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस को टॉपिक वाइज कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। इस तरीके के मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए, तो आज इस वीडियो में ये टॉपिक भी मैं कवर करूंगा। ऑफिशियल सिलेबस आप देखेंगे उसमें किसी भी तरीके का कोई आपका सिलेबस ओपन नहीं किया है कि यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपको करना यह है कि मैंने सबसे पहले आपको बुक दिखाई थी हिंदी की ल्यूसेंट की, ठीक है, और आदित्य पब्लिकेशन की, आप इन दोनों में से कोई सी भी एक बुक पकड़ लीजिए, आपका जो हिंदी है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आपको एक बुक पूरी कंप्लीट करनी है, कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है, चाहे मतलब इसलिए नहीं छोड़ना है कि हो सकता है कि उसमें से भी क्वेश्चन आ जाए, तो आपको सारे चैप्टर देखने हैं। पर आप जैसे संधि समास हो गए, संज्ञा हो गए, ये सारे चैप्टर आप पढ़ते हो जाइए, पर्यायवाची हो गए, समानार्थी शब्द हो गए, ठीक है, ये चीज तो नॉर्मल ही है, हर एग्जाम में आती है। अब इसके बाद में क्या है कि इसमें कुछ साहित्य वाले हैं कि मतलब इसमें रचनाएं वगैरह हैं, आपके रस हैं, अलंकार हैं, छंद हैं, ठीक है, तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, मतलब जैसे अलंकार वाले क्वेश्चन हैं तो कभी एक या दो क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है, या रस वाले क्वेश्चन हैं तो इसके प्रकार पूछ लेगा। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मिलेंगे कि संधि वाले क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे, विशेषण वाले ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, इस टाइप के आपको क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि आप जो है कोई भी एक बुक पकड़ लीजिए और अपनी एक बुक को शुरू से आखिर तक कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में काफ़ी टाइम है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी चीज़ छोड़नी है, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में कोई भी चीज़ ओपन नहीं की है। और एक चीज़ और, इसमें पत्र लेखन से रिलेटेड एक टॉपिक और आएगा हिंदी का, तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक में ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको इसका मतलब इसका चैप्टर देखने के लिए मिलेगा, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, वहाँ से कर सकते हैं। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर मतलब पत्र लेखन से रिलेटेड मैंने जो है लिंक डाल दिया है, वहाँ से आपके जो है पत्र लेखन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी नहीं जुड़े हुए हैं तो उससे जुड़ जाइए, मैं वहाँ से आपकी बहुत सारी चीज़ें जो आपको बुक में नहीं मिलेंगी कहीं से कवर नहीं
पाएंगी, वहां से मैं कवर कराने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। अब बात करते हैं जीके की। देखिए जीके में आपको ल्यूसेंट की जो मैंने जीके की बुक बताई है उसे आप शुरू से आखिर तक बिल्कुल कम्प्लीटली पढ़ लीजिए, चाहे आपका इतिहास हो, चाहे आपका भूगोल हो, विश्व का भूगोल हो, जो भी चीज़ें आप उसे कंप्लीट करके पढ़ लीजिए। आपके पास काफ़ी टाइम है तो आपका जो है मतलब आपके मतलब आप उसे अच्छे से रिवाइज कर लोगे। बस ये है कि आपको पहले बार में अगर याद नहीं होता तो उसे दोबारा से पढ़िए, मतलब हाईलाइट मार्कर करके ले लीजिए जो आपका येलो कलर का आता है, क्योंकि चीज़ें हाईलाइट करते हुए चलिए। हर बार मुगल शासन का मतलब कोई ना कोई सन पूछ लेगा कि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक चला, इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये चीज़ें आप देख लेंगे। आज़ादी के समय से मतलब स्वतंत्रता संग्राम की जो घटनाएं हैं वो देख लेंगे, भूगोल देख लेंगे, ठीक है, सामान्य विज्ञान है वो देख लेंगे, ठीक है। इस विविध वाले जो लास्ट के क्वेश्चन है उसमें आपके खेलकूद वगैरह सारी चीज आपकी वहां से कवर हो जाएगी, ठीक। इसके बाद आपको यूपी का जीके पढ़ना है। यूपी के जीके में से आपकी जो बुक मैंने आपको परीक्षा माणी वाली वो बताई है, इस पूरी बुक को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। पूरी बुक में से कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से आपको कंप्यूटर की बुक लेनी है। कंप्यूटर की बुक में से बेसिक आपको कंप्यूटर पढ़ना है कि फुल फॉर्म वगैरह हो गई, बाइनरी सिस्टम हो गई और गूगल वगैरह हो गए, एमएस ऑफिस हो गए, इन चीज के बारे में आपको नॉर्मली जानकारी पढ़ लेनी है। आप परीक्षा मंथन में से ही पढ़ सकते हैं या फिर ल्यूसेंट की बुक में से पढ़ सकते हैं। बाइनरी से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो आप बाइनरी सिस्टम को कंप्लीट कर लीजिए, मतलब जैसे 50 का बाइनरी नंबर कितना होगा। इस करंट के लिए आप जो है स्पीडी की ये बुक आप कंप्लीट कर लेंगे, यहां से आपका पूरा जो करंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ उत्कर्ष क्लासेस जो सुबह के मॉर्निंग में 6 बजे आपकी क्लास चलती है, कुमार गौरव सर लेते हैं, तो वहां से आप अपना जीके कवर कर सकते हैं। वहां से करंट भी कवर होगा आपका और जीके भी कवर होगा। तो वहां आप बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए आपको मैंने जो आर के झा वाली ये बुक बताई है, ये आपको बुक पूरी कंप्लीट करनी है, क्योंकि आपको कोई भी टॉपिक आपको छोड़ के नहीं चलना है। हालांकि इसमें कुछ टॉपिक है इसमें जो छोड़ने के पढ़ना सब है, आपको कैलेंडर भी पढ़ना है और आपको मतलब पासा भी पढ़ना है, सारी चीज आपको पढ़ के चलनी है। नॉर्मली बेसिक जानकारी ले लीजिए, हो सकता है कि अगर वो क्वेश्चन उस एग्जाम में आपको देखने के लिए मिला तो आप उसे हल कर लेंगे, ठीक है। आना चाहिए तरीका, बेसिक तरीके से आप करना सीख लीजिए कि जो नॉर वर्बल वाली जो रीजनिंग है उसे आप कंप्लीट कर लीजिए। कथन निष्कर्ष हो गए, पेपर को मोड़ना हो गया, आपकी आकृति वाले क्वेश्चन हो गए, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज्यादातर मिलेंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप कंप्लीट करके चलिए। तो प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और मैं बहुत अच्छे से आपको बताया है कि आपको प्रैक्टिस सेट कहाँ से मिलेगा, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हम मार्केट में जाते हैं बुक मतलब अब शॉप पे जाते हैं तो वहां से हमें प्रैक्टिस सेट नहीं मिल रहा है ऑफलाइन तरीके से। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट मंगा लीजिए। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं, जैसे आपके अग्रवाल का प्रैक्टिस सेट है, पूजा का है, अरिहंत का है, ठीक है, एक्सीड करके भी प्रैक्टिस सेट आता है। तो जो भी ये 4-5 प्रैक्टिस सेट है इसमें से कोई एक प्रैक्टिस सेट मंगा लीजिए और हल करना स्टार्ट कर लीजिए। सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट ही आपका काफी है, आपको सारे प्रैक्टिस सेट नहीं मंगाने हैं, एक मंगा लीजिए, उससे अपनी प्रैक्टिस देख लीजिए, बाकी बुकों पर ज्यादा ध्यान दीजिए, अपने सिलेबस को कवर कीजिए, अपना रिवाइज कीजिए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है, इसी से आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। लास्ट में बात करते हैं कट ऑफ की, कट ऑफ के लिए हमें कितना स्कोर निकाल के आना है कि जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों भर्ती आपकी काफी पुरानी है, इसमें काफी सारे बच्चे सिलेक्ट हो गए होंगे, तो लगभग 50% ही बच्चे इसके अंदर मेरे हिसाब से बचे हैं। तो आपको 120 प्लस से नीचे नहीं रहना है, ये आपको सोच के जाना है, ठीक है। क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की आपको कोशिश करनी है। और लड़कियों को सबसे ज्यादा मतलब ये है कि आपने अगर रिटेन क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे तो आपकी जॉब आपकी पक्की है, क्योंकि पिछली बार जितनी भी लड़कियां बची थी सबको फॉरेस्ट गार्ड में ले लिया गया था। सर मैं यही कहूंगा, क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, अपने एग्जाम के टाइम को मैनेज अच्छे से करना है, ठीक है, स्टडी अच्छी करके जानी है और स्कोर ज्यादा से ज्यादा करके आना है। वीडियो के जरिए आपके मैंने काफी सारे क्वेश्चन कवर किए हैं और मैं समझता हूं कि इन क्वेश्चनों के जरिए आपके क्वेश्चनों के जो डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट्स करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।